हजरात द बिग डिबेट ग्लास ऑफ वाटर फुल वॉटर हा फॉलोइंग योर पैशन गुड और बैड एडवाइस मैंने जानबूझ के इस टॉपिक को इंक्लूड किया है बिकॉज मैं तमाम वो नाजरीन जो इस वक्त मेरा कोर्स देख रहे हैं समझ रहे हैं कन्विंस हो रहे हैं कि फ्रीलैंसिंग का काम स्टार्ट करना चाहिए जस्ट टू एम्पावर योर सेल्फ टू बी बॉस ऑफ योर ओन अन अनलिमिटेड मनी मेक अ करियर विच यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ फॉलोइंग योर पैशन इज दैट अ गुड एडवाइस और बैड एडवाइस हजूर हमारे उस्ताद वासिफ अली वासिफ साहब वो एक बात बोलते थे और वो ये कहते थे कि खुशकस्मत हैं वो लोग जिनका जरिए माश उनका हॉबी है विच मीन्स इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग एंड यू फाइंड वे टू मोनिटाइज योर पैशन कि आप उससे पैसे कमा लें लेकिन जानिए आपसे ज़्यादा खुश नसीब आदमी इस धरती पे कोई नहीं है क्यों ये इसलिए और मैं दोनों साइड्स इक्वेशन के यहाँ पे आपके सामने फ्लोट करूंगा और आप पे ये फैसला छोड़ूंगा कि क्या अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए देखिए मैं ग्राफिक डिज़ाइनर था मैं आर्ट स्केचिंग करता था मैं ड्राइंग करता था उसको मैंने वॉल्व किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू एक्सपीरियंस आई स्टार्ट पुटिंग कलर्स इन माई स्केचेस आई बिकेम अ वेरी गुड ग्राफिक डिजाइनर दैट वॉज माई हॉबी एंड डाउन द रोड देखिए जैसे कंप्यूटर आया मुझे तो तरीका मिल गया बाई यूजिंग अ डोव फोटोशॉप कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को अमली जा बना के उससे पैसे कमाऊँ यानी कि मैं वेबसाइट्स डिज़ाइन करूँ मैं लोगो डिज़ाइन करूँ मैं ब्रोशर्स डिज़ाइन करूँ मैं इलुस्ट्रेशंस करूँ मैं हैंड स्केचेस करूँ ये तमाम वो काम थे जो मैं बचपन से एज अ बैग बेंचर और एज अ हॉबी व्हेन आई वाज फ्री एट होम करता होता था और वक्त के साथ साथ टाइम गुज़रने के साथ साथ ये मेरा जरिया माश बन गया और उसके बाद जो मैंने अचीव किया अब तक आप सबको पता है सो मेरे नज़दीक वाकई इस बात में कोई रत्ती बराबर शक नहीं है कि खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका जरिया माश जो है ना उनका शौक़ होता है उनकी हॉबी होती है अब इसकी नेगेटिव साइड को अगर हम इक्वेशन में डालें और देखें कि क्या नेगेटिविटी और क्या कॉन्स हैं क्या डिसएडवांटेज है आ, अगर आप आ, पैशन को फॉलो करते हैं तो वो ये आ, एक थ्यूरी फ्लोट की जा सकती है ख़वातन हजरात कि आप किसी काम में माहिर हैं लेकिन आपको वो काम मिलता नहीं और जब आपको वो काम वो रोज़गार नहीं मिलता तो आप अपने पैशन को मोनिटाइज नहीं कर सकते उससे पैसे नहीं कमा सकते और फिर जनाब अगर आप एक हॉबी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि एक सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल रूल जिसको कहते हैं ये बना हुआ है और आप इस 25 फीसद बिगिनिंग में खड़े हुए हैं और सीधा ही जाई जा रहे हैं आपको डायरेक्शन नहीं पता मंजिल नहीं पता लेकिन आपको ये पता है कि मुझे सीधी लाइन पे चलना आता है क्या ये अच्छा हॉबी होगा जिसको आप मोनिटाइज़ करना चाहेंगे यकीन नहीं क्योंकि आपको पैसे नहीं मिल रहे इस काम के हालांकि आपका जितना मर्जी शौक़ हो एक पर्टिकुलर काम करने का तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका जो पैशन है जिसके लिए आप इतना कंसिडरबली काम करते हैं इतने एनर्जेटिक हैं इतने मोटिवेटेड हैं इतने इंस्पायर्ड हैं क्या उससे रिलेटेड पैसा भी मौजूद है कि नहीं मौजूद ग्राफिक डिज़ाइनिंग को तो था सो so, ये वो मैजिकल डिबेट थ्योरी है पानी के गिलास की आधा भरा आधा खाली जिसपे आपने डिसाइड करना है कि अपने पैशन को फॉलो किया जाए या नहीं किया जाए मेरे नज़दीक वही वाली बात कुछ नसीब होते हैं वो लोग जिनका जरिया माश उनका शौक़ होता है